यह ऐसी मतलब कि ऐसे काम करती है कि इसको हम कोई चार इनपुट देना, तो इन चार इनपुट में से ये कोई एक सिलेक्ट करके हमें आउटपुट देगा। गुड मॉर्निंग। वैसे रियली में भी गुड मॉर्निंग होने वाली है कुछ ही देर में, मतलब अभी रात के कुछ 11:50 हो गए हैं। खैर छोड़ो इस बात को, तो आज पता है वो देखो यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी आईसी पड़ी थी, तो मैंने आज एक आईसी सारी आईसी चेक की थी कि हाँ कौन सी आईसी क्या क्या काम आती, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो सामने बक्सा दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारी आईसी हैं, तो मुझे अभी तक पता नहीं था कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। तो आज मैं पूरे दिन बैठे बैठे उन सारी आईसी को क्लासीफाइड किया कि हाँ कितनी आईसी है, कौन सी आईसी का क्या नाम है। तो ये देखो ये थी उन बक्सों में ये सारी की सारी आईसियाँ थी जो कि मुझे पता चल गया, और जिसके अंदर सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये देखो 74153 ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है जिसका वो रहा सारा का सारा डायग्राम वगैरह। अब पिछली बार जब मैंने ये 4x1 बनाया था ना, वो क्या कहते हैं लॉजिक गेट से, तो ये बहुत मुश्किल से बना था क्योंकि इसमें लगभग 5 से 6 आईसियाँ लगाई थी हमने, पर उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इस 4x1 का डायरेक्ट एक आईसी प्रेजेंट है, ये 74153। ये आईसी मतलब इसके अंदर वो सारे के सारे लॉजिक इनबिल्ट है जो कि हमने पहले खुद प्रैक्टिकली करके देखे थे। वैसे इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताता हूँ। ये देखो ये रही 741 आईसी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये आईसी काम कैसे करती है, एक सेकेंड रुकना। ये आईसी मतलब कि ऐसे काम करती है कि इसको हम कोई चार इनपुट देना, तो इन चार इनपुट में से ये कोई एक सेलेक्ट करके हमें आउटपुट देगा, मतलब चार इनपुट में से कोई एक आउटपुट सेलेक्ट करके देगा। और ये ना दो बीच में सेलेक्ट लाइन होती है, इनके बेसिक पे ये आउटपुट सेलेक्ट करता है। रुको मैं आपको जैसे कि अभी दिखाता हूँ। उस ट्रुथ टेबल में देखो जब दोनों सेलेक्ट लाइन जीरो होगी ना, तो आउटपुट C0 पर डिपेंड करेगा। वो देखो C0 आउटपुट में आया है। तो अभी देखो ये चार हमारे इनपुट्स है और ये सेलेक्ट लाइन है। अब सेलेक्ट लाइन जीरो है ना, तो ये वाला C0 पर डिपेंड करता है आउटपुट। अब देखो C0 जीरो है तो जीरो आउटपुट, ये वन है तो वन आउटपुट। इसके अलावा आप किसी को भी चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे हमने अगर S1 S0 को 01 किया तो C1 आउटपुट आएगा, इतने C0 आ रहा था। अब देखो ये वन किया, अब C10 है तो 0 आउटपुट, C11 है तो 1 आउटपुट। इसके अलावा किसी को भी चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अब इस बार S1 10 किया, S1 की वैल्यू 1, S0 की वैल्यू 0, तो इस बार C2 आउटपुट में आएगा। ये देखो C2। इसके अलावा बाकी सबको चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली लेस्ट कंडीशन में C3 आउटपुट में। खैर छोड़ो, ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया 4x1, इस बार बहुत आसानी से हुआ था। और मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे 01 क्या, ये ऑन ऑफ LED हो रही है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सब हुए थे, मैं भी हुआ था। मुझे तो ये डिजिटल स्टार्टिंग में बहुत ख़राब लगती थी, क्या सिर्फ 01 01 कर रहे हो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पर धीरे अच्छी लगने लग गई। खैर तो छोटा थोड़ी देर में मुझे गाड़ा आके बुला लेंगे कि हाँ चलो अब हॉस्टल जाओ, तो अब हॉस्टल जाके आपको अपना रूम दिखाता हूँ। मैंने फिर से अपना रूम चेंज कर लिया, मैंने एक साल के अंदर 4 बार अपने रूम चेंज किए। पहले C3 C3 से C2 C2 से C1। खैर छोड़ो, मैं आपको भी अपना नया वाला रूम भी दिखाता हूँ। तो देखो मेरा नया वाला रूम एकदम नया, मतलब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, पर मैंने और मेरे रूम मेट ने मिलकर ना इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी बना दी है। इसमें मतलब चारों तरफ वॉल पेपर वगैरह सब कुछ लगा दिया। एक लाइट ना बंद हो गई, एक सेकंड रुकना। ये देखो ऐसी दीवारें थी चारों तरफ, पर अब इसको डेकोरेट करके हमने ऐसा बना दिया। और अभी तो ये और पड़े हैं, 40 पीस और पड़े हैं इस साइड में और इस साइड में लगाने के लिए, पर वो मैं और मेरे रूममेट है ना आलस के कारण लगा नहीं रहे हैं। हमें मतलब आलस आ रहा कि हाँ कौन तो इतना काम करे, और वैसे भी प्रॉब्लम देते ही कहाँ, क्योंकि मैं अपने देखो 12:15 बजे यहाँ पर आया हूँ, सुबह
8 बजे वापस निकल जाऊंगा, बस सोने का काम है यहाँ पे, उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ काम है नहीं, तो इन्हें फालतू मेहनत करने का मन नहीं करता। फिर छोड़ो, गुड नाइट, बाय बाय।